दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रांची के मैदान में भारत को हारा हुआ मैच जिताकर रो पड़े ईशान किशन, लेकिन अपने बयान में रोहित धोनी को याद कर कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया। क्या बोले ईशान किशन अपने बयान में तो आपको बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ईशान किशन, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और धोनी में एक बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम का ऐसा दमदार प्रदर्शन देखने को मिला जो कि इस साल में शायद ही देखने को मिला हो अब तक। दोस्तों धोनी के शहर रांची पहुंचे सभी खिलाड़ियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो हमें गेंदबाजी दी गई और गेंदबाजी में भी हमारे गेंदबाज आज अव्वल निकले। सिराज ने जहां डिको को अपना शिकार बनाया, साथ ही आर हेंड्रिक्स नाम के खिलाड़ी को भी कैच आउट करा दिया था। दोस्तों इसके बाद मार्करम का शिकार किया वॉशिंगटन सुंदर ने और देखते देखते साउथ अफ्रीकी टीम के 5 विकेट भले ही गिर गए थे, लेकिन फिर भी ताकतवर साउथ अफ्रीकी टीम 278 तक पहुंची गई। अब लक्ष्य मिला 279 रन का। जाहिर सी बात है दोस्तों लक्ष्य पहाड़ जैसा था और इतने बड़े लक्ष्य को चेस करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को मजबूत पारियों की जरूरत थी, कुछ शतक भी चाहिए थे और आज वाकई में ऐसे 2 शतक वीर निकले भारतीय टीम की तरफ से कि पूरे मैच को एक तरफा बना के रख दिया। दोस्तों आज जब भारतीय क्रिकेट टीम इस लक्ष्य को चेस करने के लिए मैदान में उतरी तो शुभमन गिल और धवन ने तो घुटने टेक ही दिए थे। 9 ओवर और 50 रन भी नहीं थे कि 2 विकेट हम लुटा चुके थे, लेकिन तभी मैदान में एंट्री होती है बिहार व झारखंड की शान ईशान किशन की और श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर वो ऐसी तबाही मचाते हैं कि साउथ अफ्रीकी टीम जीत का सपना तक नहीं देख पाती। दोस्तों ईशान किशन ने जहां मात्र 60 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा किया तो वहीं आगे चलकर ऐसी तूफानी बैटिंग करी के देखकर अय्यर भी हैरान थे। दोस्तों 7 छक्के और 4 चौके जड़कर ये तेज तर्रार खिलाड़ी कब में कब 93 पर पहुंच गया किसी को आभास तक नहीं हो पाया। हालांकि दूसरे छोर से अय्यर ने भी अपना शतक जड़ दिया। वो 113 रन की नाबाद पारी खेल कर गए और अपनी टीम को जिताकर ही लौटे। और दोस्तों इसी तरीके से हमारी भारतीय क्रिकेट टीम अय्यर और सैमसन के कंधों पर चढ़कर 7 विकेट के अंतर से मुकाबले को जीत गई है। लेकिन दोस्तों आज दिल जीता है ईशान किशन ने, रांची के मैदान में ऐसी बल्लेबाजी करी कि नामुमकिन जीत को मुमकिन बना गए। और दोस्तों ईशान किशन किसी मैन ऑफ द मैच से कम नहीं थे। आपको बता दें कि ईशान किशन भावुक थे, लेकिन अपने बयान में अब उन्होंने मैच जिताने के बाद रोहित धोनी पर कुछ ऐसा कह दिया है कि आप उन्हें सलाम कर जाएंगे। दोस्तों क्या बोले ईशान किशन मैच के बाद, चलिए आपको बताते हैं। ईशान किशन ने अपने बयान में कहा, मेरे नजरिए में मुकाबला कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप हमेशा अपने देश की जर्सी पहनकर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको केवल एक उद्देश्य के साथ मैदान में उतरना चाहिए, जीत और केवल जीत। अपने देश को जिताना ही मेरा हर खिलाड़ी की तरह एक कर्तव्य सा बना है और इसीलिए मैदान में आकर मैंने आंकड़ों पर ज्यादा जोर नहीं फरमाया, केवल टीम के लिए आज अच्छा करना चाहा। मैं जानता हूं कि पिछले कई वक्त से, कई सप्ताहों से मेरे बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी धोनी और रोहित भाई ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा मुझे सलाह दी किस तरीके से आगे बढ़ना है और ये पारी मैं उन दोनों को ही समर्पित करना चाहूंगा, साथ ही उन फैंस को जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा समर्थन किया। ये जीत पूरी टीम की भी है जिन्होंने बराबर की मेहनत करी और अय्यर ने शतक भी तो लगाया, तो ये जीत वाकई में सबकी हुई। उम्मीद है हम इस सीरीज को भी ऐसे ही जीतेंगे। दोस्तों ईशान किशन एक बहुत ही ज्यादा उम्दा खिलाड़ी है। अब उन्हें टीम में तो नहीं रखा जाता, लेकिन उनकी ये पारी इस बात को बयान करती है कि वो कितने कारगर हैं। परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या ईशान किशन को भी वर्ल्ड कप के लिए खिलाना चाहिए था? और ईशान किशन, पंत व सैमसन में कौन बेहतर है, इसका भी जवाब नीचे जरूर दीजिएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।